के लिए कलर को उसको कलर लाने के लिए जैसे कि उस तरह से दवाओं का छिड़काव करते हैं, हमेशा एप्पल को कभी भी खाएं तो उसको फ्रेश पहले धो लें। धोने के बाद इसके अलावा उसकी स्किन निकाल ली जाए। जो अपने बाहर के एप्पल्स आते हैं ना, उनके ऊपर वैक्सिंग की जाती है उसकी एज बढ़ाने की क्वालिटी वो दिखती है, तो उसको अपन पूरी तरह से स्किन निकाल के ही खाएं। नमस्कार, मैं शिवांग द्विवेदी और इस वक्त हमारी लोकल 18 की टीम पहुंच चुकी है सतना के कृषि उपज मंडी में, और यहाँ पे हम एक पड़ताल करने आए हैं कि क्या सेब जो विक्रय किए जाते हैं शहर में या पूरे देश भर में, तो उनमें किसी प्रकार के पेस्टिसाइड या किसी प्रकार के रासायनिक तत्व का उपयोग होता है कि नहीं। तो हमारे साथ एक सर यहाँ पे होलसेल रिटेलर हैं फ्रूट के, उनसे हम जानेंगे कि क्या क्या इस चीज़ में बदलाव होता है सेब में या फिर किस प्रकार से विक्रय किया जाता है। सर, अपने परिचय शुरुआत करिएगा। मेरा नाम बब्बल सेवक राम अवतवानी, कृषि उपज मंडी सतना, आकृति फ्रूट फार्म का मैं ओनर। सर, क्या किसी प्रकार का रासायनिक तत्व का इस्तेमाल होता है जब सेब का विक्रय होता है यहाँ पे? रासायनिक तत्व कुछ नहीं होते हैं, और हमेशा एप्पल को कभी भी खाएं तो उसको फ्रेश पहले धो लें। धोने के बाद इसके अलावा उसकी स्किन निकाल ली जाए, क्योंकि जैसे खाद डाली जाती है सब्जियों में, उसी तरह इसके ऊपर भी जो रासायनिक थोड़े बहुत जो तत्व लगाते हैं केमिकल्स वगैरह, लेकिन वो नुकसानदायक नहीं होते हैं, और कभी भी स्किन उतार करके ही एप्पल को खाना चाहिए। जो भी जैसे जो फॉरेन के एप्पल फ्रूट्स वगैरह जो आते हैं उनके ऊपर स्किन के ऊपर वैक्सिंग होती है, तो वैक्सिंग हमारे सेहत के लिए हानिकारक होती है। मुख्यतः हमारे सतना की अगर बात करें, सतना में कितने प्रकार के सेब अभी विक्रय किए जाते हैं शहर भर में? 3-4 प्रकार के मेन रहते हैं, जैसे कि उसमें अमेरिकन हो गया, और आपका गाला हो गया, और डिलिशियस हो गया, कुल्लू डिलिशियस हो गया, 4 प्रकार के। तो क्या सेब में पहले पेड़ में ही वृक्षों में ही इस तरह के छिड़काव कर दिया के लिए कलर को उसको कलर लाने के लिए जैसे कि उस तरह से दवाओं का छिड़काव करते हैं? क्या सेब में भी ऐसा छिड़काव किया जाता है कलर लाने के लिए सिर्फ वृक्षों में? वृक्षों में ही जैसे खाद डाली जाती है उसके साथ साथ उनके उसको साइज बढ़ाने के लिए और केमिकल उसके लिए छिड़काव करते हैं। जैसे केमिकल इस तरह का वो हानिकारक नहीं रहता है, लेकिन उसको अपन हमेशा फल कोई भी हो उसको पहले बढ़िया से धो लें, धोने के बाद एक उसको बड़े अच्छे से साफ करके ही खाना चाहिए। तो जैसा कि सर ने हमें बताया कि वैसे उसमें कोई केमिकल नहीं होता, पर उसको कलर चेंज करने के लिए उसमें हल्के केमिकल का छिड़काव किया जाता है, इसलिए अगर कभी भी आप फल फूल खाते हैं तो उसे अच्छे से धो करके और फिर फल का सेवन करें। जो अपने बाहर के एप्पल्स आते हैं ना, उनके ऊपर वैक्सिंग की जाती है उसकी एज बढ़ाने के लिए, चमक वगैरह क्वालिटी वो दिखती है, तो उसको अपन पूरी तरह से स्किन निकाल के ही खाएं। तो बाहर के मतलब सेब को जो आते हैं उनको मूलतः स्किन निकाल के अदर कंट्री के जितने भी एप्पल फल हो, और एप्पल अपने इंडिया के एप्पल जो होते हैं कोल्ड में कम से कम 5-6 महीने तक स्टॉक किया जाता है कोल्ड में, और बाहर 15-20 दिन तक नॉर्मल मतलब इस तरह के एनवायरनमेंट में 15-20 दिन तक रख सकते हैं, बाकी कोल्ड में 5-6 महीने तक स्टॉक गर्मियों तक के लिए बचा के रखा जाता है। जी तो कल तो CA कोल्ड भी बन गए हैं, CA में तो आप जैसा रखेंगे 3-4 महीने बाद निकालेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। और क्या कुछ जैसे हरे सेब रहते हैं, क्या सेब में भी कुछ ऐसा शिकायतें मिलती हैं कि सेब में भी कुछ ऐसी शिकायतें मिलती हैं क्या कि बीच में उसके विक्रय करने के लिए उसको कलर चेंज कर दिया जाता है? वो पेड़ पे ही किया जा सकता है, नॉर्मली जमीन पे उतरने के बाद कभी भी नहीं कर पाए सेब में कलर। हाँ, पेड़ के ऊपर ही उसको इस तरह से दवाओं का छिड़काव जब देते हैं तब उसमें अपने आप कलर नेचुरल कलर आता है, बाकी जमीन में उतरने के बाद कलर नहीं हो सकता उसमें। लोकल 18 के लिए शिवांग द्विवेदी की रिपोर्ट सतना।